थर्मोमीटर अभी हमने थोड़ा सा एक जिक्र किया था कि वो कैसे लेबोरेटरी से डिफरेंट होता है तो हम देखेंगे ये आखिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर है क्या क्यों यूज किया जाता है इसका तो ये कुछ ऐसा दिखेगा लॉन्ग दिख रहा है एकदम काफ़ी लॉन्ग मतलब आपका क्लिनिकल तो बहुत छोटा है इतना बड़ा रहेगा क्लिनिकल पर लेबोरेटरी इसका डबल रहेगा तो लेबोरेटरी आखिर है क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्यों यूज़ किया जाता है सो अ लेबोरेटरी थर्मोोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन ए साइंस लेबोरेटरी तो लेबोरेटरी का नाम ही लैब्स में यूज़ किया जा रहा है उसके अलावा आपको जो भी किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करना है मतलब तो अपनी बॉडी के अलावा बाहर किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है अपने सराउंडिंग में तो वो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर लैब्स में अगर आपको वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है कोई लिक्विड रखा है उसका टेम्परेचर कोई ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर मेजर करना है तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर के हेल्प से यूज कर सकते हो दिस थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब हैविंग ए थिन बोर तो ये भी लॉन्ग ग्लास ट्यूब से बनता है लेकिन काफी पतला होता है काफी थिन होता है जैसे हमने क्लिनिकल में भी देखा था कि वो लॉन्ग लॉन्ग नहीं होता काफी थोड़ा छोटा होता है लेबोरेटरी के कंपैरिजन में बट एक ग्लास ट्यूब से थिन होता है वो भी द ग्रेजुएशन मार्क् ऑन द ट्यूब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर द टेम्परेचर फॉर्म माइनस टेन डिग्री सेल्सियस अब देखो जब भी हम कहाँ से बात कर रहे थे सेल्सियस की अगर हम बॉडी टेम्परेचर वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर था वो बता रहा था थर्टी सेवन से फोर्टी टू पर यह कहाँ मेजर करने लगा माइनस की बात कर रहे हैं मतलब काफी हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ एक रेंज में मेजर कर सकता है पर ये माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस मतलब ये आइस से भी ठंडी चीजों को भी मेजर कर रहा है उसके अलावा ये वन हंड्रेड टेन डिग्री मतलब बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा गर्म चीजों को मेजर कर पा रहा है तो लेबोरेटरी की यही प्रॉपर्टी है कि क्या होता है इसकी रेंज फिक्स नहीं है कि सिर्फ ये इतनी रेंज का मतलब मेजर करेगा ये करेगा माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है इतना काफी टेम्परेचर ये मेजर कर पा रहा है दिस इज नोन एज रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो ये जो रेंज है ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज अब आपसे क्वेश्चन आएंगे कि आप रेंज बताइए डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर की तो अगर आपसे पूछेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है तो हम इजीली आंसर कर पाएंगे थ, कितना 35 डिग्री सेल्सियस से ये होता है 42 डिग्री सेल्सियस बच्चों अगर आपसे पूछा स्केल की रेंज बताइए तो आप बता सकते हो कितना ये बोलेंगे हम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस मतलब माइनस वाला माइनस का ये प्लस पॉजिटिव वाला हो गया ना ठीक है तो ये रेंज हो गई क्लियर बच्चों अब देखेंगे हम लेबोरेटरी से कैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर से तो ये बीकर है इसमें टेम्परेचर है ये आपका लेबोरेटरी बीकर में कोई भी लिक्विड है और एक तो देखो अब क्या हो रहा है थर्मोमीटर में दिख रहा रहा है रहा है आपको तो मेजर बढ़ते हुए स्केल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है तो ये होता है कि आपने किसी बीकर में लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पुट करना है तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका स्केल इंक्रीज होगा मर्करी लेवल हाई हो रहा है ठीक है तो जितना टेम्परेचर है उतना मर्करी लेवल हाई होगा और हम इजीली टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं तो किसी भी लिक्विड का किसी भी साम, कोई भी आपके पास सामान है आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से इजीली मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स अब ये क्या आ गए नए कुछ नया सुनने मिल गया मैक्सिमम एंड मिनिमम तो इनका क्या हेल्प क्या क्या होता है क्यों यूज किए जाते हैं कुछ ऐसा दिखते हैं मैग्जिम एंड मिनिमम थर्मोमीटर दीज आर द स्पेशल थर्मोमीटर्स विच ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द maximum एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे तो जब भी आप न्यूज़पेपर देखते हो या फिर आजकल तो मोबाइल फोन्स में दिखाता है कि इस डे का मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा तो अब वो हर एक टाइम तो लेके बैठते तो है नहीं कि कितना रहेगा हर एक इंस्टेंट को मेजर कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है एक थर्मोमीटर होता है जो मैग्जिम मिनिमम वैल्यूज एक डे की रिकॉर्ड कर लेता है ठीक है तो इस थर्मामीटर को हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर थर्मोमीटर आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू बता देंगे मैक्सिमम कितना रहेगा मिनिमम कितना रहेगा तो इसलिए इसे नाम भी वैसे ही दिया गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम तो ये वेदर रिपोर्ट वालों में काफी हेल्पफुल थर्मोमीटर है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स इन टीवी एंड न्यूज़पेपर आर मेजर्ड बाय द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर तो हमने कहा जो भी वेदर रिपोर्ट्स आ रही है टेलीविजन में न्यूज़पेपर्स में मोबाइल्स में हमको जो न्यूज मिल रही है वो किसके थ्रू है इन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स की हेल्प से क्लियर प्रिकॉशंस इन यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस की प्रिकॉशंस हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी यूज करनी है तो वही प्रिकॉशंस कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी करनी पड़ेगी तो कौन कौन सी है वो प्रिकॉशंस टरी थर्मोमीटर शुड बी और थर्मामीटर है वो वर्टिकली मतलब रहे सीधा रहेगा कि बल्ब नीचे रहेगा थर्मामीटर ऊपर है, है ऐसे टिल्ट नहीं कर सकते आप इट शुड नॉट बी मतलब तो टिल्ट करोगे टेम्परेचर डिफरेंट बताएगा तो अगर आपको एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए तो उसे स्ट्रेट पकड़ना है ठीक है वर्टिकली हेल्ड पकड़ना है सीधे थर्मोमीटर बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाई दुज टेम्परेचर इज टूर्ड दैट मीनस की जो अगर मान लो ये बल्ब है और आपको जिस भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो बल्ब पूरी तरह से कवर होना चाहिए उस सब्सटेंस से ऐसा नहीं कि एक साइड से हमने रखा उस सब्सटेंस में दूसरे साइड से ओपन है तो अगर दूसरे साइड से ओपन होगा तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर बता देगा तो अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है अगर कोई वाटर वाटर है, तो आपको उस में पूरा डिप करना पड़ेगा बल्ब को तभी वो एग्जैक्ट टेम्परेचर बताएगा द नेक्स्ट इज द थर्मोमीटर बल्ब शुड नॉट बी टच द साइड्स ऑफ साइड्स और बॉटम ऑफ द कंटेनर इन विच इज टेकन तो आपको पकड़ के ही रखना है थर्मामीटर को ऐसा नहीं कि आपने वहां पे छोड़ दिया छोड़ोगे तो क्या होगा कि बल्ब जो रहेगा जो भी कंटेनर है उसको टच करेगा और बल्ब कंटेनर को टच कर दिया तो फिर दिक्कत है क्योंकि बल्ब हमने पहले ही जाना कि बहुत नाजुक है या तो टूट सकता है या तो टेम्परेचर भी गलत रीड करेगा तो आपका टे... बल्ब पूरी तरह से ओपन होना चाहिए एकदम फ्रीली कहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसमें तो बल्ब कहीं टच नहीं करना चाहिए कंटेनर से ना किसी साइड में ना किसी बॉटम में उस कंटेनर की रीड द थर्मोमीटर वाइल इट्स बल्ब इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड अब क्या हुआ कि क्लिनिकल से कैसे डिफरेंस है क्लिनिकल में क्या होता है कि हमने माउथ में रखा माउथ से बाहर निकाल के हम मेजर करते हैं पर यहाँ वो चीज नहीं है अब आपको जिस सब्सटेंस में रखा है उसी सब्सटेंस में रखे हुए आपको स्केल रीड करनी है और इनकेस अगर आपने बाहर निकाल दिए बाहर वो सराउंडिंग से टेम्परेचर आ, आ जाएगा तो रीडिंग गलत हो जाएगी तो अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो जब तक वो उस में है तभी आपको मेजर करना है लेबोरेटरी का ये है कि आप उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे जिस का है उस में रखा रहेगा वो टाइम उस टाइम तक के जब आप मेजर करोगे अदरवाइज रीडिंग रॉन्ग आ जाएगी रीड द थर्मोमीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट और आप देखेंगे तो ऐसा देखना है कि उसके लाइन ऑफ साइट हमारा उस लेवल पे मरकरी का लेवल दिखना चाहिए क्लियर सबसे टच हो और हम उसे इजीली आंखों से देखें क्योंकि डिफरेंट 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 एंगल से देखोगे रीडिंग्स मिलेगी तो ये चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि उसे लाइन ऑफ साइट के अलोंग ही रखना है डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब क्योंकि बल्ब के थर्मोमीटर की सबसे नाजुक चीज है जिसके अंदर मरकरी कंटेंट है बल्ब अगर होल्ड किया तो रीडिंग्स गलत आएगी बल्ब से क्या होगा ब्रेक होने के चांसेस होते हैं हाथ से पकड़ने में कहीं टकराना नहीं अदरवाइज बल्ब ब्रेक हो जाएगा हैंडल द दर्मोमीटर विद केयर इट कैन ब्रेक इफ इट अगेंस्ट एनी हार्ड ऑब्जेक्ट ठीक है तो वो बहुत बहुत नाजुक है उसे एकदम केयर से हैंडल करना है अदरवाइज ये ब्रेक हो जाएगा और ये रहा आपका थर्मोमीटर तो यह आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो अगर हम इसे कंपेयर करें क्लिनिकल से तो क्लिनिकल क्या था काफी छोटा था मतलब इसके कंपैरिजन में उसकी स्केल रेंज भी कितनी थी थर्टी सेवन डिग्री थर्टी फाइव डिग्री से कितनी थी फोर्टी टू डिग्री तक के और ये कितना था ये तो माइनस टेन डिग्री से वन हंड्रेड टेन डिग्री दिखा रहा था मतलब रेंज भी बहुत डिफरेंस है साइज में भी बहुत डिफरेंस है क्लियर और ये रीड भी हम इसे डिफरेंट डिफरेंट से दिफ्रेंट दिफ्रेंट कर सकते हैं तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे यूज़ करना है उसके प्रिकॉशंस हमने डिस्कस किए उसके बाद हम जानेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्योंकि हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक स्पेशल थर्मामीटर बना है क्लिनिकल थर्मामीटर लेकिन हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से उसे मेजर नहीं कर सकते वरना चाहे तो क्योंकि इसका रेंज तो ये पूरा रेंज कवर कर रहा है माइनस से प्लस वाला प्लस हंड्रेड तक के रेंज कवर कर रहा है तो हम तो इससे इजीली बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं पर ऐसा क्या चेंजेस है कि दोनों को हम नहीं कर सकते तो हमने देखा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर में एक होता है किंक हा किंक बना था मतलब ये मरकरी स्केल था और एक कुछ ऐसी हाइट थी हल्की बल्ब के सामने पहले तो ये किंक क्या करता है जब मरकरी लेवल इंक्रीज होता है टेम्परेचर से तो जब हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं थर्मामीटर को बल्ब को तो ये किंक लेवल डाउन नहीं मरकरी लेवल डाउन नहीं होगा क्यों क्योंकि ये किंक उसे बचाता है डाउन होने से किंक उसे वापस बल्ब में जाने नहीं देगा लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है किंक प्रेजेंट ही नहीं होता तो अब क्या हुआ कि अगर आपने बॉडी वो टेम्परेचर बॉडी बॉडी टेम्परेचर मेजर करोगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से और जैसे ही बल्ब को आप माउथ से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होगा बल्ब तो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा सराउंडिंग के कांटेक्ट में आ जाएगा और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये क्या होगा एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको बताएगा नहीं इसलिए जो आपका स्पेशल थर्मोमीटर बने क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो हम रीजन जानते हैं दिस इज बिकॉज As soon असून वे टेक आउट द बल्ब Bulb of the जो ले का लेवल वो क्विकली फॉल करेगा ड्यू टू कूलिंग ऑफ इट्स बल्ब बाय एयर क्योंकि उसका जो बल्ब है वो एयर से कूल cool होने लगेगा टेम्परेचर चेंज होगा वो टू इन फॉल करने लगेगा ठीक है तो समझ में आया कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से बॉडी टेंपरेचर नहीं मेजर कर सकते और ये क्यों हो रहा है क्यों फॉल कर रहा है क्योंकि किंग प्रेजेंट नहीं है कंपैरिजन बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर अ सिमिलरिटी बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर इज दैट बोथ आर मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर मतलब दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में जो मेजर करने के लिए जो थ्रेड है अंदर वो मरकरी थ्रेड है मतलब में होगा। और दोनों ग्लास से बने है। तो सिमिलरिटी तो तो कुछ है पर देखना कि इसमें डिफरेंस कितने ज्यादा है द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ वेरी वेरी शॉर्ट टेम्परेचर रेंज हमने देखा था काफी शॉर्ट था थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस से फोर्टी टू डिग्री बॉडी का टेम्परेचर इसी रेंज के बीच होता है इससे आगे पीछे तो हो जाने नहीं वाला अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर है लार्ज टेम्परेचर रेंज यूजली फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से तो आपको हर चीज मेजर करनी है तो इसलिए इसकी रेंज काफी लार्ज है काफी वास्ट है आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें इससे मेजर कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर हैजाना था हमने डिफरेंस जाना कि दोनों में कि एक में क्लिनिकल में कि होता है जो मरकरी का बैक फ्लो होने नहीं देता बट लैबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रजेंट नहीं होता तो क्या होता है मरकरी बैक फ्लो हो जाएगा अगर आप उसे जैसे ही substance से बाहर निकालेंगे इसलिए हम बॉडी टेम्परेचर भी क्लिनिकल से मेजर करते हैं जस्ट लाइक जीरो पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस मतलब मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट डिफरेंस भी बताएगा कि अगर आपके पास थर्टी सेवन नॉर्मल टेम्परेचर है थर्टी सेवन पॉइंट टू थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स ये पॉइंट में भी चीजें मेजर करके आपको बता सकता है देन लेबोरेटरी थर्मामीटर, विच यूजली मेजर्स अपू वन डिग्री सेल्सियस मतलब ये आपको एग्जैक्ट मेजर बता रहा है टेन डिग्री फिफ्टीन डिग्री ट्वेंटी डिग्री मतलब ये आपको पॉइंट में नहीं बताएगा क्योंकि एक्यूरेट मेजर क्लिनिकल थर्मामीटर बता रहे हैं अब है डिजिटल थर्मोमीटर्स हमने डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर्स देखे पहला था आपका क्लिनिकल सेकेंड था लेबोरेटरी अब थर्ड है डिजिटल थर्मोमीटर्स तो डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है डिजिटल थर्मामीटर आर द टेम्परेचर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर इजीली पोर्टेबल हैव परमानेंट एंड द डिजिटल डिस्प्ले तो क्या होता है कि हमने देखा क्लिनिकल थर्मोमीटर को कितने सारे प्रिकॉशन है कितना संभाल के यूज करना है भाई कि बल्ब टूट जाएगा ग्लास टूट जाएगा ऐसा ना करो वैसा ना करो तो इनने क्या सोचा कि यार इतना सोचना है उससे अच्छा तो कुछ और ले आते तो इनने एक डिजिटल थर्मामीटर लाया उसको इतना प्रिकॉशंस से तो नहीं यूज करना है तो इसमें क्या होता है कि पोर्टेबल होता है इजीली इजीली पोर्ट छोटा सा होता है पोर्टेबल होता है साथ में परमानेंट प्रोप्स बने हुए रहते हैं और कन्वीनियंट डिजिटल डिस्प्ले होता है अब मरकर स्केल को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखोगे हमने कहा था कि उसे अपने साइड लेवल में ही रखना है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल में रखोगे आपको टेम्परेचर डिफरेंट दिख रहा है तो ये क्या हो रहा है ये काफ़ी इनकन्वीनियंट हो रहा था तो इसलिए सबसे अच्छा क्या किया एक डिजिटल डिस्प्ले ही आ गया कि आपको टेंशन ही नहीं है देखने की मतलब आपको पढ़ना नहीं है कि कितना है भाई कितना किस स्केल में लाई कर रहा है वो डायरेक्ट आपको नंबर दिखा देगा आपने माउथ में रखा बाहर निकाला वो आपको डायरेक्ट टेम्परेचर दिखा देगा तो ये क्लिनिकल डिजिटल होता है उसके अलावा नॉर्मल मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर भी डिजिटल बता सकते हैं तो ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं ठीक है ऐसा होगा ये बल्ब रहता है इस बल्ब को ये क्लिनिकल वाला है जैसे माउथ में पुट करेंगे ऑन करा हमने ये आपको टेम्परेचर दिखा देगा तो ये जैसे फॉरन हाइट में नाइनटी तो ये आपका डिजिटल थर्मामीटर हुआ आपने डिजिटल वॉल में भी देखा होगा कि वहां पे टेम्परेचर का एक स्केल बना हुआ रहता है वहां पे आपको रूम टेम्परेचर मेजर वाला रहता है तो ये क्या ये भी एक डिजिटल थर्मामीटर है नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज देश पर्सन एंड गिवेन ऑप्शन डिग्री ऑप्शन बी इज ये एक और होती है सब करने uh, करने के लिए, temperature measure करने के लिए लिए और एक कैल्विन भी होता है तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैलविन कैसे मेजर किया जाता है तो हमने देखा और फोर्थ है नन ऑफ दिस तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर होता क्या है और आपके पास चार ऑप्शन है तो बताइए तो हमने देखा था कि बॉडी टेम्परेचर दो स्केल से मेजर कर रहे थे एक सेल्सियस से एक फेरहाइट तो सेल्सियस की रेंज कितनी थी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस क्लियर और फोर्टी की रेंज क्या थी 94 डिग्री फेरन टू 108 डिग्री फेरन ठीक है तो अब पूछ रहे हैं कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या है पर्सन का तो हम बोलेंगे ऑब्वियसली देखो फेरन में थर्टी तो पॉसिबल नहीं है कैलिविन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो सेल्सियस में हमको पता है और रेंज लाई भी करती है 35 से 42 तो एग्जैक्ट आंसर है आपका करेक्ट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस हेल्थी पर्सन का टेम्परेचर सो द आंसर इज ए 37 डिग्री सेल्सियस क्लियर बच्चों नाउ वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेम्परेचर सो द क्वेश्चन इज पहेली एंड बूझो दिस आर द कैरेक्टर्स ऑफ एनसीईआरटी बुक पहेली एंड बूझो मेजर देयर बॉडी टेंपरेचर पहली पाउंड हर्स टू बी नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फेरनहाइट एंड बूझो रिकॉर्डेड थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द टेम्परेचर ऑफ पहली एंड बूझो क्या क्या है कि पहली ने रिकॉर्ड किया नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स नाइन्टी डिग्री फेरनहाइट ठीक है और बूझो ने क्या रिकॉर्ड किया थर्टी डिग्री सेल्सियस

तो याद करो हम लोगों ने देखा था कि जो इसकी रेंज थी और इसकी रेंज थी डिग्री से, सेल्सियस वाला कहाँ से था 34 से 42 तक के 35 से 42 तक के तो हम लोगों को पता है कि 37 क्या था नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था और सिमिलरली 98.6 फ़ारेनहाइट ये भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था किस में ये डिग्री फ़ारेनहाइट वाले इसमें और ये डिग्री सेल्सियस स्केल में यानी दोनों तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो किसी के लोअर हाइयर है

सिमिलरली में नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर था तो ऑप्शन सी जो है ये अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए क्यों है ना और जो ऑप्शन डी है बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आपको थर्टी डिग्री सेल्सियस में फीवर चाहिए तो मोर देन थर्टी सेवन जस्ट लाइक थर्टी एट होना चाहिए या थर्टी सेवन पॉइंट कुछ रहेगा तब और अगर हम यहाँ बात करें फेरनहाइट में तो ये मोर देन 99 मतलब 100 101 ये रहेगा तब फीवर रहेगा तो फीवर भी नहीं है दोनों को यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्लियर बच्चों सो so द करेक्ट आंसर इज आंसर सी बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्लियर